हेलो फ्रेंड्स, अच्छी परवरिश के क्या मायने होते हैं, क्या मापदंड होते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, या फिर ये दुनिया वाले डिसाइड करेंगे जिसको आपके बच्चों की खुशी से कोई भी मतलब नहीं है? मैं यहाँ पर स्पेशली बात कर रही हूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि देखिए, लड़कियों को दूसरों के घर जाना होता है और उनको अपनी बात बोलना, अपना हक लेना, अपने लिए लड़ना आना चाहिए। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं जब लड़कियाँ अपने घर में होती हैं तो मम्मी पापा उनको बहुत प्यार करते हैं और बिना उनके कहे, और उनको पता होता है कि मेरा बच्चा जो है, अगर उसको कुछ चाहिए तो वो कभी भी अपने मुंह से नहीं बोलेगा। तो माँ बाप की बात अलग होती है, लेकिन इस बाहरी दुनिया की बात जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो इसीलिए बच्चों की परवरिश, कई लोग ये बोलते हैं कि जो लड़कियां हैं वो कम बोले, अपने से बड़ों की बात माने, और कोई उनको कुछ कह रहा है तो उसको बर्दाश्त कर ले, उनका हक छीना जा रहा है तो उसको चुपचाप सह ले। ये एक अच्छी परवरिश की परिभाषा दुनिया वालों ने एक अच्छी ये परिभाषा बना रखी है। लेकिन आप बताइए, मैं तो इस परिभाषा को बिल्कुल ही गलत मानती हूँ, क्योंकि आप जो हैं ये संस्कार अपने बच्चे के अंदर डालिए। जो चीज गलत है वो मतलब गलत है, चाहे आपके सामने कोई भी आ जाए, कितना बड़ा इंसान आ जाए, भगवान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन जो चीज गलत है वो गलत है, और गलत का साथ तो हमें कभी देना ही नहीं चाहिए। अगर आपको बिना किसी गलती के कोई एक थप्पड़ मार के जा रहा है आपकी बेटी को, आपके बेटे को, तो आप उसे क्या शिक्षा देंगे कि बेटा दूसरा गाल भी आगे कर दो, इस पे भी इस पे तो थप्पड़ खा चुके हो, इस गाल पे भी थप्पड़ खा लो? नहीं, आपको भी बर्दाश्त नहीं होगा और आपके बच्चे को भी। आप ऐसा संस्कार भूल कर भी मत दीजिए। अपने हक के लिए बोलना सिखाइए, सही और गलत का फर्क करना सिखाइए, और झूठ का साथ कभी भी ना दिए, जो सही है उसको सही बोलिए। फिर अगर अब ये चीज किसी को बदतमीजी लगती है, किसी को रिस्पेक्ट करना नहीं लगता है, तो वो उसकी अपनी दिक्कत है, उसकी अपनी परेशानी, उसकी अपनी सोच है, उसकी सोच से आपको कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को इस तरीके से संस्कार देंगे, बेटी हो बेटा हो, आगे चल के ना उससे कोई भविष्य में गलती होगी नहीं, और ना ही वो झूठ का सहारा लेगा, ना ही उसका कोई हक छीन पाएगा, और ना ही उसे कोई बेवकूफ बना पाएगा। क्योंकि उसे अपनी बात को रखना, अपनी बात को कहना, अपनी भावनाओं को अच्छे से समझना उसको अच्छे से आ जाएगा, उसे किसी और की हेल्प की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं ये दुनिया कितनी क्रूर है, अगर आपने किसी के लिए अपना गला भी काट दिया ना तो बोलेगा भाई तिरछा कट गया, ऐसे ऐसे कटना चाहिए था, बिल्कुल सीधा कटना चाहिए था। सो उसी तरीके से फ्रेंड, आप बहुत बड़ों की इज्जत करिए, मान करिए, सम्मान करिए, आपको उनकी बातें भी माननी, लेकिन वही बात माननी चाहिए जो जायज हो। ये नहीं कि भाई आप भूखे हैं और आपको बोल दे भाई आप अपनी थाली का खाना मेरे को दे दो क्योंकि मैं दो बार खाऊंगी, और तुम एक ही, आज तुम दिन में एक बार भी नहीं खाओ क्योंकि मुझे ज्यादा भूख लगी है इसलिए तुम भूखे हो। तो ये चीज तो कोई भी होना ही नहीं चाहिए भाई। अगर आपको भूख लगी तो आप अपने हिस्से का खाओ, मैं मेरे हिस्से का खाऊंगी, मैं मेरे हिस्से का क्यों दूं किसी को? तो आप अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए, अगर वो किसी को बदतमीजी लगती है, बेवकूफी लगती है, और अपने से बड़ों की इज्जत ना करना लगती है, तो आप उसके बिल्कुल, उसको ऐसे दुनिया को समझ कर उसको ऐसे संस्कार मत दीजिए। आप बिल्कुल सही है, आपने जो संस्कार दिए अपने बेटी को और बेटे को वो बिल्कुल सही है। अब किसी ने एक थप्पड़ मारा है ना, जब दोबारा आपको थप्पड़ मारे ना तो इस तरीके से उसका हाथ पकड़ लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से। खासतौर पर ये चीजें ना मैं लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि उन बिचारियों का ना, कई तो समझदार होती हैं, उनको बचपन से सिखाया जाता है, तो वो अच्छे से आगे चल के अच्छे से अपने आप को उस माहौल में ढाल लेती है। लेकिन जो बेचारी सीधी होती हैं, कह नहीं पाती हैं, वो सोचती हैं कि नहीं ये बदतमीजी होती, क्योंकि उनको यही सिखाया गया है, कोई दो बात बोले आपको गाली दे, आपको बेवकूफ कहे, आपको बदतमीज समझे, तो आप चुपचाप जो है गर्दन नीची करके उस चीज को बर्दाश्त कर लो। लेकिन मैं बिल्कुल भी इस चीज के खिलाफ हूँ, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कीजिए, करना ही नहीं चाहिए। जो चीज सही है वो सही है, गलत है तो मतलब गलत है। और ये चीज ना मैंने मेरे पापा से सीखी थी। मेरे पापा दिल्ली पुलिस में थे, अब रिटायरमेंट है, वो हमेशा बोलते थे बेटा अगर आपने गलती नहीं करी है तो आपके सामने चाहे कोई भगवान भी आके खड़ा हो जाए बोले कि तुम झूठ बोलो तो झूठ नहीं बोलना है, मतलब सच के साथ रहना है, सच्चाई कहना है, अपने हक के लिए बोलना है, और किसी को अपने ऊपर इतना हावी मत होने दो कि वो आपकी अच्छाई का, आपकी जो आपके अंदर खूबियां है ना उसको खामियां बना के चला जाए। तो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्पेशली मैंने ये वीडियो लड़कियों के लिए बनाई है क्योंकि उन बेचारियों का ना बहुत बर्दाश्त करना पड़ता है भाई, दूसरे घर जाना पड़ता है, तो
अपने आप को तो बनाए रखना है ना समाज के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट, और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भाई। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।